नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट में फायरिंग, पुलिस ने खाली कराया टर्मिनल, एक संदिग्ध हमलावर गिरफ्तार। पाकिस्तान के सिंध में लगे आजादी के नारे, लोगों ने उठाई अलग सिंध देश की मांग, लंदन में भी बलूचों का प्रदर्शन। बलूचिस्तान पर चीन ने भारत को धमकाया, सीपीईसी को बाधित करने को लेकर दी धमकी, कहा पाक के साथ मिलकर करेंगे कार्रवाई। स्कॉर्पियन लीक से भड़की फ्रेंच कंपनी डीसीएनएस, द ऑस्ट्रेलियन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची डीसीएनएस, कोर्ट में स्कॉर्पियन से जुड़े दस्तावेज छापने पर रोक के लिए लगाई गुहार। ईरान परमाणु वार्ताकार जासूसी में गिरफ्तार, परमाणु समझौते सूचनाओं को पश्चिमी देशों को देने का है आरोप, आरोपी को परमाणु दल में घुसपैठ करने वाला जासूस बताया। मिस्र में सड़क दुर्घटना, वाहन और यात्री बस में हुई भिड़ंत, 12 लोगों की मौत, कई घायल। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।